डिजिटल युग ने हमें ढेर सारे वरदान दिए हैं, फिर भी इसकी सुविधाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी आती हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है मिस इन्फॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार का तेजी से फैलना, जो अक्सर सच्चाई से भी अधिक तेजी से फैलती है। आख्यानों के इस युद्ध क्षेत्र में सच्चाई सबसे पहले हताहत होती है, जो दुष्प्रचार और आधे अधूरे सच के शोर में खो जाती है। इस दुविधा को समझते हुए भारत की केंद्र सरकार ने अपने तुरूप का पत्ता बाहर निकालने और दुष्प्रचार की बाढ़ के विरुद्ध अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, यह है TFI और मैं अनिमेश पांडे आपको फैक्ट चेकर्स के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के वर्तमान निर्णय के परिणामों का उल्लेख करूंगा और क्यों ये समाचार केवल एक मामूली नीति परिवर्तन नहीं है, अपितु ये एक अभूतपूर्व निर्णय भी है जो भारत में ऑनलाइन चर्चा का चेहरा बदल सकता है। एक अभूतपूर्व कदम में केंद्र सरकार आगामी डिजिटल इंडिया बिल के दायरे में ऑनलाइन तथ्य जांचकर्ताओं यानी फैक्ट चेकर्स के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाने पर विचाराधीन है। इसका अर्थ यह है कि तथ्य जांचकर्ता जो अब तक इंटरनेट के विशाल और कुछ हद तक अराजक परिदृश्य में काम कर रहे थे, उन्हें जल्द ही अपने संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। मूलतः भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि सत्य पर मध्यस्थता करने की शक्ति उचित जिम्मेदारी के साथ आए। ये प्रस्तावित विनियमन लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में इस सिद्धांत को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय इस ऐतिहासिक बिल का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है। प्रस्तावित कानून में कुछ रोचक खंड शामिल हैं, जिनमें पंजीकरण प्रक्रिया से नॉन लेगेसी तथ्य जांच निकायों को बाहर करना भी सम्मिलित है। इस विधेयक का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिससे केवल स्थापित और प्रतिष्ठित मीडिया कंपनियों को प्रारंभिक चरण में पंजीकरण लेने का विशेषाधिकार मिलेगा। तो ये प्रस्तावित शासनादेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दो कारणों से। सर्वप्रथम, ये मोहम्मद जुबैर, सुप्रिया श्रीनेत, हर्ष मंदर जैसे फर्जी खबरों के कुख्यात विक्रेताओं को बेरोजगार कर देगा। ये व्यक्ति और संगठन जो अक्सर अपने निजी एजेंडा का प्रचार करने के लिए फैक्ट चेक के मुखौटे के पीछे छिपते आए हैं, न केवल अपनी मान्यता खोएंगे अपितु कानून के शासन के अधीन भी होंगे। दूसरा और शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपाय ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग के दायरे में बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही के युग को प्रारंभ करेगा। यद्यपि तथ्य जांच झूठ को खारिज करने और सटीक जानकारी प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु कड़े नियामक दिशा निर्देशों की कमी के कारण अक्सर फैक्ट चेक के पर्दे के नीचे पक्षपातपूर्ण आख्यानों का प्रचार होता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फेक न्यूज फैलाने वालों की अब अच्छी खासी क्लास लगेगी। अभी संशोधन पर चर्चा भी नहीं हुई है और अराजकता की दुकान लगाने वाले अभी जाए तौबा मचा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्तावित कदम पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है और इसी तरह फैक्ट चेकर प्रमुख मोहम्मद जुबैर भी टूट पड़े हैं। अब बोल भी कौन रहा है, इनका मुखर विरोध केवल इस प्रस्तावित कानून की संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने उसी जगह निशाना साधा है जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। एक गेम चेंजिंग निर्णय डिजिटल परिदृश्य में सभी हितधारकों को एक स्पष्ट और जोरदार संदेश भेजता है। दुष्प्रचार के विरुद्ध युद्ध में अनियमित, अनियंत्रित और गैर जिम्मेदार फैक्ट चेकर्स के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सच्चाई को अक्षुण्ण रखने और अपने डिजिटल क्षेत्र को फर्जी खबरों के संकट से मुक्त रखने को केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और प्रिय श्रोताओं, ये एक ऐसा तथ्य है जिसके लिए किसी फैक्ट चेक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।